कितना इम्पोर्टेंट काम है इनको भी। ये घर से पराठा आया, खाएंगे आलू वाले पराठे। और ये कुल्हड़ में आ गई चाय। अरे भाई साहब देखो, फ्री सर्विस हमारी। फिर आ गया हूँ मैं, अभी रिंगस के मोड़ पे आ गया हूँ। ये छुप के खा रहा, सामने दिया तो नहीं खा रहा। आपको लग रहा होगा कि मैं लेटा क्यों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज एक नए दिन में फिर आपका स्वागत है। और आज का प्लान मेरा ऐसा है कि यहाँ मैं फरीदाबाद से ना अभी यहाँ से जाने का प्रोग्राम है खाटू श्याम जी का। तो अभी सुबह निकल चुके हम तकरीबन 9:15 बजे के आसपास। और ग्रुप में अभी हमारे हैं कम से कम 5 लड़के, हम मुझे मिला के। और गाड़ी यहाँ पे टैंकफुल हो रहा है, अभी यहाँ पर टैंकफुल कराएंगे। अभी धुली नहीं है, इग्नोर करना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि प्रोग्राम अचानक बना। और ये 4 लड़के हम, टैंक होने वाला है फुल। कितना तेल आएगा देखते हैं। ये चल रहा मशीन, ये चल रही है पूरी मशीन। टैंक फुल हो जाएगा फिर निकलेंगे अभी यहाँ से। फिर बाकी जैसा होगा मैं रास्ते का आपको दिखाते रहूँगा। हालांकि मंदिर अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन फिर भी अपना क्या है कि एक बार जाके दर्शन कर आएंगे। रैंडम प्रोग्राम बना तो निकल गया है। चलो फिर मिलते हैं आगे। और आज वैसे भी फरीदाबाद बंद है, क्योंकि अभी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो काफ़ी जगह बंद था। तो उस समय तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। हालांकि अभी मैं अजरौंदा पेट्रोल पंप पे, यहाँ से पेट्रोल डलाते हैं और डीजल डलाते हैं और चलते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक मिलते हैं फिर। अभी भाई 1 किलोमीटर कह रहा हूँ, 1 घंटा चले नहीं है। सबको कह रहे हैं भाई चाय पीनी है। तो मैं कहा भाई ले लेते पहले स्टॉपेज। और ये एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं तो एक जगह चाय के लिए रुके हैं। अपना चाय पियेंगे, देखते कुछ हल्का फुल्का खाएंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि थोड़ी सुस्ती सी भी आ रही थी। और देख रहे हैं किसे चाय बोला क्या बोला, जहाँ चाय बन रही है ये वाली चाय बन रही अपनी, अदरक इलायची वाली। ये घर से पराठा आया, खाएंगे आलू वाले पराठे। उज्जवल और बनीत था, वो दोनों नहीं खा रहे, वो चाय पियेंगे खाली। लेकिन तो पराठे खाएंगे भाई, ये नज़ारा के साथ। ये आ गई है चाय अपनी, और चाय पियेंगे। ये भाई साहब अपना एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैकेट पहना तो भी हाथ कांप रहे। तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं और एक पॉइंट पर और आके रुके हैं। थोड़ा फ्रेश वगैरह भी हो लेंगे, चाय पानी भी कर लेंगे। गाड़ियाँ लगा दी पार्क में। और ये पॉइंट है, पता नहीं क्या नाम है, चूक ना जाना किंग, पढ़ लेना भैया, किंग किंग का ढाबा है। तो अभी थोड़ा चाय वाय पियेंगे, फ्रेश होंगे, फिर निकलते हैं। इस रेस्टोरेंट में ये बात अच्छा है कि मतलब यहाँ बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे बंजी जंपिंग वगैरह हो गए प्ले करने के लिए। और लगभग सारे ब्रांड आपको, ऑलमोस्ट कपड़ों के और भी चीज़ों के ब्रांड यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये क्या है, चार्जेस भी लिखे हैं, पढ़ लो भैया। और ये रहा फाउंटेन। और एक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, बच्चों के लिए टॉय के लिए भी है वहाँ पे अपना टॉय कार। बाकी देखते हैं अंदर कैसा है खाना। यहाँ क्रॉकरी आइटम भी मिल जाएगी सारी, मतलब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, मिट्टी का पॉट खाना बनाने वाला। और बाकी इस साइड भी शॉप्स मिल जाएगी आगे, फ्लैग मशीन भी इधर। बाकी ऑलमोस्ट सब ब्रांड मिल जाएंगे, स्नैक्स वगैरह मतलब ठीक ठाक बना दिए हैं। यहाँ पे आ गया अपना एक पराठा, ये है बटर जो कुल्हड़ में है, और साथ में ये दही, ये भी ऐसे एजेस कुल्हड़ में है। मैं तब तक एक बाइट लिया था, तब तक इसमें आधा निपटा दिया, वो ले नहीं रहा कि इसने भी शुरुआत की। भैया भी निपटा चुके हैं, भूख लग रही थी लगता है। चलो थोड़ा सा मक्खन लगाते हैं और खाते हैं। और मेन चीज़ जो फ्री में मिलता है मैं यहाँ पे, ये अचार, इसको तो छोड़ना नहीं भैया, दबा के लो और जो ये वाला अचार। मिर्च वाला बांट लेते, ये हो गया भैया या अब खाएंगे दबा के। लगे यार चाय भी आ गई, पहले सोचा था बाद में पीऊंगा, बाद में एक कप और पियेंगे।
चाय इलायची वाली अच्छी बनाई है इन्हें, आगे फिर मिलते हैं। तो भाई जी हमारा बिल आ गया है तकरीबन 613 रुपए का इंक्लूड करके, ये था फिनिश किया है और चल रहे भैया फटाफट, क्योंकि लेट हो जाएंगे। दे भैया दे टिप के साथ, ये हमारा अकाउंटेंट है, ये देता सारे बिल इसका रखा बिल दे देख ले। ब्रेकफास्ट लगभग हो गया अपना और चल रहे बाहर की जाओ। कहाँ से चले? वो कहाँ गए? वो आ रहे हो? हाँ जी, बड़े अलग आइटम उठा के आ रहा है, ये का लेके आया। बड़े तेरे को कहाँ से मिल गए ये गुड़? थोड़ा सा गुड़। अच्छा हम सब चाटते आ रहे हैं, गुड़ खाते हैं पेट साफ करके आओ। तो आओ को देखो कितना इम्पोर्टेंट काम है इनको भी। एक बार फिर यहाँ पे थोड़ा टी ब्रेक के लिए रुके हैं और चाय बनी है बढ़िया से, मार लिया अदरक कूट के। और ये अपना चल रहा है, यहाँ पे पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, यहाँ खेती हो रखी है पालक और दिखाता हूँ, ये है पालक और सरसों साग, साग हो गया पूरा, और वो है गेहूँ जो है शायद, मूली भी है पीछे, पीछे मूली भी उगी हुई है वहाँ पे, देखते मूली भी है ना। और नज़ारा कितना बढ़िया, यहाँ तोते भी आराम से बैठे भाई मज़े ले रहे हैं। और नज़ारा कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखता हूँ पालक मिलती है तो पालक उठाता हूँ तोड़ती तोड़ के। आगे हमारी चाय पानी ये बढ़िया, ये पी के देख मस्त पानी है। चलो देखने पर रास्ते के लिए तो ले लेंगे थोड़ा सा, ये चाय आ गई दियो मेरे को भी दियो। अरे बढ़िया पानी है ना, मस्त पानी मस्त है, चलो यही लेते हैं सबसे बढ़िया। चल गया ना उसका बोरवेल समर समर केवल का होगा। हाँ बढ़िया पानी, पिछले दिन सब फेल है इसके आगे। अच्छा पानी, और ये कुल्हड़ में आ गई चाय। अरे भाई साहब देखो फ्री सर्विस हमारी लगी बढ़िया बढ़िया चाय, बहुत बढ़िया चाय, चलो भाई बहुत बढ़िया चाय। ये ढूंढ के रखता लड़का गणेश चाय कॉफी, पिछली बार का मुझे याद था। ये इस पॉइंट पे आओ, उत्तरी गिर रही है, बहुत बढ़िया चाय मेरी भी चाय है ये चाय। फिर आ गया हूँ मैं अभी रिंगस के मोड़ पे आ गया हूँ, और ये सामने रिंगस का मोड़ है, ये यहाँ से ये सीधा रास्ता जाता है सीधा खाटू श्याम दरबार के लिए, और यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। यहाँ से लोग नॉर्मल निशान लेके भी जाते हैं पैदल, यहाँ से 18 किलोमीटर रह गया तो निशान लेके पैदल जाते हैं, यात्रा करते हैं वहाँ पे। तो अभी तो अपना चलेंगे अपनी गाड़ी से ही, फिर मिलते आगे। यहाँ पे आ गया हूँ, एक ये है श्री श्याम का शरणम का तोरण द्वार, आप दर्शन करो यहाँ पे, पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं और बोलो जय श्री श्याम, बोलो हारे के सारे की जय। यहाँ भी श्री श्याम जी का ध्वज है, मतलब यहाँ से भी लेके लोग जाते हैं लेकिन रिंगस से भी जाते हैं। अब यहाँ पे दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे, वो सब लोग पहुँच के मत्था टेकने के लिए मत्था टेकते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे गाड़ी लगा दी पार्किंग में पीछे अंदर आके, और मंदिर तो फिलहाल बंद है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर भी देखते हैं जहाँ तक जाके दर्शन कराए, दर्शन तो नहीं होगा हालाँकि जहाँ तक मंदिर में जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे और वहीं से आशीर्वाद लेंगे। यहाँ प्रसाद वगैरह घर से बना के लाए थे और चल रहे आगे की तरफ, और यहाँ पतंगे भी उड़ रही है, यहाँ पे संक्रांत उड़ाते हैं राजस्थान में, हमारे यहाँ 15 अगस्त को उड़ाते हैं, लॉक है लॉक है। तो होटल वगैरह सारे मिल जाएंगे इधर आसपास, यहाँ काफ़ी मतलब इधर इस एरिया में रश रहता है, लेकिन क्या है कि अभी दर्शन नहीं हो रहे तो फिलहाल पूरा खाली पड़ा है यहाँ पे पूरा। तो फिर भी देखते हैं जहाँ तक दर्शन होगा वहाँ पे चलेंगे और दिखाता हूँ जहाँ तक आपको दिखा पाऊँ, पूरा खाली है। ऐसा आम देश में मिल जाए कितना बढ़िया रहेगा, कितने बड़े दर्शन होंगे। चलो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग अभी फिलहाल सारी मोस्टली दुकानें बंद ही है क्योंकि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब मंदिर को ना थोड़ा जो परिसर है वो चौड़ा कर रहे हैं, और हालांकि मेरे को भी लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ थोड़ी आसपास से छाटी है ताकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे रश बढ़ता जाएगा तो जितने भी श्रद्धालु आते हैं
उनका सही से मतलब इजीली हो जाए दर्शन, क्योंकि अभी फरवरी में फागुन का मेला आएगा, उसमें क्या होता है कि रश दिन के दो दो तीन तीन लाख रुपए लाख पब्लिक तो नॉर्मल है, कई कई दिन तो दस दस लाख पब्लिक भी रहती है, तो उसमें थोड़ा सा रेनोवेशन हो रहा है और ये कुछ आ गया ऐसा है। बाकी चलते जा रहे हैं, ये मंदिर में आ गए हैं, मतलब मंदिर के बाहर गेट के बाहर, और जैसा कि पहले पता ही था कि भाई मंदिर अभी फिलहाल बंद है, लेकिन भक्त फिर भी आए हुए हैं दर्शन करने, लोगों की मन्नतें यहीं से पूरी हो रही है तो लोग आ ही रहे हैं, तो यहीं से दर्शन कर लो, बोलो हारे की सहारे की जय, बोलो खाटू नरेश की जय। यहाँ हमने हालांकि यहाँ पे इधर से ही दर्शन कर लिए बाबा के, यहीं पे अपना प्रसाद वगैरह हमने चढ़ा लिया और यहीं मत्था टेक के हम आगे की तरफ चलते हैं, तो यहीं मत्था टेकते हैं और यहाँ से शाम बाबा का दर्शन करते हैं। जैसे ही शाम ओम श्री शाम देवाय नमः, यहाँ अंदर सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप यहाँ से दर्शन आते हैं तो कर सकते हैं, और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, भीड़ कुछ उस हिसाब से है नहीं क्योंकि मंदिर फिलहाल बंद है, तो भीड़ उस हिसाब से है नहीं, लेकिन फिर भी जो भक्त है वो सब आ रहे हैं दर्शन करने, जिनको बाबा से प्यार है वो उनको मंदिर बंद हो खुला उससे वो नहीं होता, लेकिन वो आते दर्शन करने, उसमें कुछ हम भी है कि आगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए मंदिर बंद है उससे कोई बोली है, लेकिन हम यहाँ तक पहुँच गए, हम इतने लकी है कि उनके बाद भी हमारा हम लोगों का मन नहीं करता कि भाई अकेले बैठे तो हम बाबा के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। उसी तरह काफ़ी श्रद्धालु रोज़ दिन में भी आते हैं, शाम में भी आते हैं, रात में भी आते हैं दर्शन करने, जिनको बाबा पर भरोसा है बिल्कुल आते हैं, बोलो हारे के सहारे की जय। दर्शन हमने कर लिए, दर्शन क्या मतलब बाहर से हमने मत्था टेक लिया, हमारे लिए वही बहुत है, तो मत्था टेक लिया, अब चल रहे हैं आगे की तरफ। भीड़ भाड़ कुछ नहीं है आज, मतलब बिल्कुल शांत लग रहा है क्योंकि अभी श्रद्धालु काफ़ी लोग आए नहीं, मंदिर भी नहीं खुला, तो दर्शन कर लिया, आगे की तरफ चल रहे हैं और जैसा होता है मैं आपको दिखाता रहता हूँ, तो लगे रहे वीडियो में, और आगे का कुछ मार्केट का अभी का नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ। मार्केट भी आज सुनी सुनी लग रही है क्योंकि है दुकानें खुली हुई, शॉप्स खुले हैं काफ़ी, लेकिन उस हिसाब से भीड़ नहीं है जैसे होता है, लेकिन फिर भी आ रहे, काफ़ी लोग आ रहे हैं, सोमों के हिसाब से काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे भी, अब देखते हैं कि मंदिर कब खुलेगा यहाँ पे और बाबा के दर्शन कब होंगे, तो देखते हैं, अगली बार आऊँगा तो बाबा के दर्शन होंगे तो वो भी आपको दिखाऊँगा, अब तक आगे का फिलहाल ऐसा नज़ारा देखो, देखते हैं आगे का क्या शेड्यूल है, कुछ चाय वाय पियेंगे बैठ के, है ना, फिर एक बार चाय पियेंगे, और ये भाई साहब चाय बना रहे हैं हमारे लिए, देखो स्पेशल लेके आए चाय बनाने के लिए, हर जगह जाकर चाय बनाते हैं हमारे लिए, है, और वही कुल्हड़ में पियेंगे चाय, गरम बना ना गरम, अदरक डालो, अदरक है जी, बढ़िया वाली, वाली ओ तेरी वो देखो अदरक के साथ है, अदरक के साथ अदरक वाली चाय, चाय 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 वाले चाय वाले यही काम कर रहे हैं हम, एमबे चाय वाले, एमबे चाय वाले, भाई कालू के आ गया हमारे, बिस्कुट आ गया, पनीर हटा दे काले का, ये जो नहीं खाए गए वाला नरेंद्र से नहीं हैं, नहीं खाएगा, खा लेगा खा लेगा, क्यों नाराज है, नहीं खाएगा ये, छुप के खा रहा, सामने दिया तो नहीं खा रहा, छुप के खा रहा, ये शर्मा रहा था, ये भी तो भाई शर्मा रहा था, हैं भाई साहब, मैं निकल रहा था तो मेरे को रास्ते में एक बहुत अच्छा ये दिखा, मतलब श्री बरसाना जी का जो खाली हवेली, राधा की हवेली है, अब क्या है रेस्टोरेंट है कि पता नहीं क्या है ये नहीं पता, लेकिन लेट हो रहा था तो भैया जाते हुए मैंने चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ, बना तो अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा मंदिर है, मंदिर मंदिर है यहाँ पे, पीछे भी है, बना काफ़ी अच्छा रखा है,
आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ लेटा क्यों हूँ, तो अभी थोड़ा हो गया खाना खाने का टाइम, तो एक ढाबे पर रुके हैं फिलहाल और ये सब तो बैठ गए खाना खाने के लिए। इनकी दाल आ गई है, रोटी आनी है बस, टेस्ट करके देखो, टेस्ट कर लेंगे भाई, रोटी के साथ ही करेंगे। सलाद आ गया और भाई सब चालू हो गए सब अपने, लेकिन मैं कहा चलो भाई थोड़ी कमर सीधी कर रहे हैं, तो रोटी आएगी तो आराम से खाएंगे, तो खा के फिर मिलते हैं आगे की तरफ, फिर वीडियो एंड करेंगे। आगे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो दिखाऊंगा, फिर तो आगे फिर जाके वीडियो एंड करेंगे। देखो ये देखो ये देखो, इस भाई को पनीर नहीं मिला यार, ये भाई बड़े बेकार हो गया इसका यार। यार पनीर लेके आना तो भाई तेरे लिए अलग से, हाँ भवनीत अगली बार से इसके लिए पनीर आधा किलो उसमें काट कर डालेगा पहले भाई, दिक्कत हो जाती। दो दो भाई रोटी दे दो भाई, टाइम हो गया, खिला दो भाई इसको, भूख लग रही है। एक तो पनीर भी नहीं दिया, दाल भी नहीं खिला रहे हो। अभी एक जगह चाय पे रुके हैं, साढ़े दस बज गए हैं, नहीं नहीं पौने ग्यारह हो गए, चाय पी के थोड़ी नींद सी आ रही है और मूंगफली लो ली थी, खा रहे हैं बैठ के आराम से, यहाँ आग के बाद बैठ के आज ही तो निपटा दिए रास्ते में, और ये भाई से मैच का इंजॉय करते हुए, इनकी तो ख़त्म नहीं हो रही पीछे, ये भाई साहब केजरीवाल बना हुआ है। फिलहाल मेरे को लगता है कि आज वाला वीडियो मेरे को ये एंड करना चाहिए, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गया और सुबह से काफ़ी, एक दिन में काफ़ी ट्रैवल किए हैं, मतलब ये लगा लो 15 घंटे ड्राइव करना और बाहर रहना, तो थक भी गया हूँ, तो मैं घर जाके न्यू ब्लॉग मतलब एंड कर पाऊँगा, तो मैं ये वाला ब्लॉग में फिलहाल यही एंड करता हूँ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। होप कल कोई नई जगह पे जाऊं और वहाँ का आपको दिखाऊं, तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो पूरा देखा करना एक बार, अगर ऑन करो तो वीडियो पूरा देखना ताकि थोड़ा चैनल को ग्रोथ मिल पाए, अभी मेरे चैनल को उतना बूस्ट नहीं मिल पा रहा, तो प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखना, इसलिए मैं एंड में ही बोलता हूँ आपको, रिकमेंड करता हूँ। बाकी चलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव। और यहाँ गाड़ी रेडी हो चुकी है अपनी, चाय वगैरह पी के, और धुंध भी काफ़ी हो रहा है, टाइम से घर पहुँचते हैं तो मिलते हैं, तब तक के लिए